गणेश गणपति सुखकारी, अपरंपार है महिमा तुम्हारी। में पूजित शिव के दुलारे, माता गौरा के तुम प्यारे। सब देवों ने तुमको पूजा, तुम सा कोई देव न दूजा। विष्णु और महेशा ध्यान धरे तुम्हरा विघ्नेशा। तुम दाता सबके तुम हो भाग्य विधाता। वेश तुम्हारा है अति प्यारा। विनायक मंगलकारी, भक्तों के हो तुम सुखकारी। सिर सोने का मुकुट विराजे, शंख गदा और पुस्तक साजे। जब जो तुमको हर पल ध्यावे, सुख वो सकल जीवन में पावे।
वेदनता क्यों प्रभु कहलाए। बचपन में ऋषियों को सताते करके शरारत ये दिखलाते, मगन थे शंकर एक दिन, ओ परशुराम तब आए पर्वत पर, विघ्नेश्वर उनको समझाते, ओ परशुराम कुछ समझ न पाते, प्रभु बोले मिल कर ही जाऊं, ओ ना जो मिले तो घर नहीं जाऊं, अगर ये मिलन न होगा युद्ध तुम्हें फिर करना होगा, भयंकर हुआ रे परस पर किए बार गणपति ने निष्फल, परशुराम ने फरसा फेंका विघ्नेश्वर का दंत था टूटा, क्षमायाचना करते ऋषिवर लंबोदर ने पाया तब वर,
कथा ऐसी भी आती इसी नाम की महिमा बताती। कार्यभार गणपति को सौंपा, लिखते जाओ जो मैं कहता। रचते थे लिखते लिखते ना थकते थे। सहसा ही उनकी हो रुक गई गति तब उस लेखन की। साहस ना ही छोड़ा ओ गणपत ने एक दांत को तोड़ा। भारत की कर दी रचना अद्भुत कार्य की सजग कल्पना। ऋषिवर मुनि जन तब वहां आए, देवों ने तब सुमन चढ़ाए। भोग है इनको भाता जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। विनायक मंगलकारी महिमा जग में जिनकी भारी।
एक दंता की गाए जो महिमा। ओ बढ़ती जग में उनकी गरिमा। नवालो ओ, पूजन कर सारा सुख पालो। कर्ता से जो ऊर्जा पाई गणपति महिमा तब ही लिखाई। गालो लंबोदर से खुशियां पालो। गणपति जी रहना सहाय। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। गुरुकुल में लेकिन गुरुकुल दूर बड़ा पड़ता था जंगल में। उठे सवेरे जल्दी दोनों करके सोच स्नान, जो भी गुरुजन उन्हें पढ़ाए पढ़े लगा कर ध्यान। गुरु माता के हाथ का खाना वो तो खाते थे, भोजन के लिए बीन लकड़ियां रोज बुलाते थे। उस दिन भी गुरु माता ने कृष्णा जी को है बुलवाया, लाओ बीन लकड़ियां, ये दोनों को हुक्म सुनाया। कर प्रणामो गुरु माता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। सुदामा को गुरु माता लगी है फिर कहने, भूख लगी तो खा लेना, ले जाओ भुने चने। एक पोटली में वो चने है सुदामा ले आए, दिया है कुछ माता ने कृष्णा देख नहीं पाए। चुनते लकड़िया जंगल में वो डोले इधर उधर, लगी है चलने आधी तभी और बादल आएगी। चमके बिजली अंबर से और लगा बरसने पानी, थोड़ी देर विश्राम करे ये दोनों ने है ठानी। एक पेड़ के नीचे फिर दोनों आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। तले आने मारे सर्दी के, दोनों के दांत लगे किटकिटाने। एक पेड़ की डाल पे जाके गए सुदामा बैठ, बैठे कृष्णा नीचे वो लगा तने से पीठ। छिप कर कृष्णा जी से सुदामा लगे भुने चने खाने, लेकिन कृष्णा जी को भी है लगी है भूख सताने। बोले सुदामा से कृष्णा ये क्या तुम खाते हो, कहे सुदामा क्यों मुझ पे इल्जाम लगाते हो। मारे ठंड के यूं हम तो दांत बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। सुदामा ने है फिर तो चने सभी खाए, रुकी जो बारिश लेके लकड़ियां लौट के वो आए। लौट गए अपने अपने घर करके शिक्षा पूरी, रहते थे कभी साथ साथ अब बढ़ गई थी दूरी। बने द्वारकाधीश कृष्ण तो अपना राज चलाए, संग सुशीला के भी सुदामा लिए है ब्याह रचाए। समय का पहिया अपनी गति से गया है फिर चलता, था मंजूर नियत को फिर उनका समय पलटा। निर्धन हुए सुदामा कृष्ण राजा बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी, सीखे दुनिया सारी।
पाने को नहीं अन्न, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति में वो लगा रहे थे मन। रूखा सूखा जो भी मिलता वो ही खाते थे, साथ सुशीला के वो अपना समय बिताते थे। कहने लगी सुशीला, हमने कौन से पाप कमाए, कौन जन्म के कर्म ही स्वामी अपने आगे आए। कहने लगे सुदामा, मैंने किया दगा मित्र से, गुरु माता ने दिए चने वो खाए थे छिप करके। फिर तो सुशीला को किस्सा वो सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी। सुशीला जो वो यार तुम्हारे हैं, खुल सकते फिर पल में स्वामी भाग हमारे हैं। जाके तुम कृष्णा जी को अपना हाल बताओ, दे देंगे वो थोड़ा साधन आप मांग कर लाओ। कहने लगे सुदामा, ये तो मुझसे होगा ना, शिक्षा ली है मांगने से तो अच्छा है मरना। कहे सुशीला, बुरे वक्त में काम जो आते हैं, असली मित्र तो मेरे स्वामी वो कहलाते हैं। फिर तो बात सुशीला की वो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी। सुदामा कैसे खाली मैं जाऊंगा, थोड़े चावल बचे हैं घर में वो मैं ले जाऊंगा। बाद पोटली फिर तो सुशीला चावल ले आई, शीघ्र लौट कर आऊं कह कर लेने लगे विदाई। चल दिए नंगे पांव पहन कर वस्त्र फटे पुराने, पहचानेंगे कृष्णा जी डर भी लगा सताने। राह कटीली पैर भी उनके हो गए लहू लुहान, जैसे तैसे द्वारका में वो पहुंच गए हैं। देख द्वारका बड़े अचंभित वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी। सुदामा द्वारपाल को परिचय लगे बताने, सुनकर द्वारपाल भी उनका लगे मजाक उड़ाने। करके बिनती द्वारपाल को फिर तो समझाया, जाके कहना
कृष्णा जी से यार सुदामा आया। फिर तो एक दरबान ने उसकी बात भी है मानी, कृष्णा जी के पास में जाकर बतला दी है कहानी। द्वारपाल के मुख से जैसे सुना सुदामा नाम, दौड़े दौड़े आए हैं प्रभु उठकर नंगे पांव। देख के दशा सुदामा की उन्हें गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। मुझे सुदामा आए कई दिन बाद, अपने यार कृष्णा की तुमको क्या आई नाया। फिर तो संग सुदामा को वो ले गए महल के भीतर, नीचे बैठे कृष्णा जी और यार सिंहासन पर। देख के हालत अपने यार की कृष्ण बहुत रोए, अश्रु जल से कृष्णा जी ने उनके पैर धोए। फटे पुराने वस्त्र बदल कर नए हैं पहनाए, लगे पूछने कृष्णा जी क्या मेरे लिए लाए। बधी पोटली चावल की फिर वो तो छिपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कृष्णा जी के सुदामा ये क्या छिपाते हो, लाए पोटली मेरे लिए फिर क्यों शर्माते हो। फिर तो पोटली कृष्णा जी ने ले ली अपने हाथ, तीन ही मुट्ठी थे चावल वो दो मुट्ठी गए भात। देख रुक्मणी कृष्णा जी को मन में है घबराई, तीन लोक इन्हें जो दे दोगे हम कहाँ रहे कन्हाई। तीसरी मुट्ठी चावल को जब कृष्णा रहे हैं फाक, झट से पकड़ लिया रुक्मणी ने कृष्णा जी का हाथ। देख रुक्मणी की ओर फिर वो मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। रुके सुदामा फिर तो होने लगी विदाई, सोचे किस मुँह से मांगू मैं लाज बड़ी ही आई। धूमधाम से कृष्णा जी ने उनको विदा किया, आए थे जो आशा लेकर धन कुछ नहीं दिया। मन में सोच रहे हैं सुदामा कृष्णा है कैसा यार, सोचते सोचते मन में वो नगरी से आ गए बाहर। आए नगर
नगर में नहीं दिखी उनको अपनी कुटिया। उस कुटिया की जगह में किसने महल है बना दिया। गया क्यों मिलने यार से चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी। जगह उनको तो दिया सुंदर महल दिखाई, पत्नी सुशीला की आवाज है उनको पड़ी सुनाई। देखा तो अपनी आंखों पर आया नहीं यकीन, महारानी के जैसे सुशीला बैठी बनी ठनी। फिर तो सारा भेद सुदामा पल में जान गए, कर दिया है उपकार यार ने बिन पूछे या कहे। बुरे वक्त में काम जो आए वो है सच्चा यार, सदा अमर है यारी इनकी जब तक है संसार। आज तलक भी किससे सुने सुनाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी। कृष्ण सुदामा की जो भक्तों हमने कही कथा, जन्म जन्म का पुण्य है इसके सुनने से मिलता। हंस राज रिलहन तो बस ये ही चाहते हैं, सब कामों को छोड़ कथा मुझसे लिखवाते हैं। उनकी भावनाओं का भी तो रखना पड़ता ख्याल, फौजी सुरेश लिखता है गाता है डीएसपा। माता शारदे का आशीष है मेरे सर पे, जब तक चलती रहेगी कलम ये मेरी लिखता रहूंगा तब तक। वेरी नाइस के कमेंट हौसला बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होगी यारी सीखे दुनिया सारी। हम गौरी नंदन श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गौरी नंदन श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े का, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े का। शिव गण तो जब तब ही आ जाएं।
प्रवेश। भोलेनाथ को नंदी लेकिन रोक ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज। सुनाते हैं क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज। समझ न पाते हैं, पूछा भोलेनाथ ने कौन हो और कहां से आए, अपना परिचय गणपति ने भोले को दिया बताए। करने लगे प्रवेश भीतर गणपति ने रोका, कहने लगे भोले क्यों हमको तुमने है टोका। हम खुद स्वामी गौरा की जब मर्जी आती है पावन कथा सुनाती है। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज। गणपति को हटा ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज
मेरे बना तो बिगड़ी काज। समझाया हटे नहीं जब द्वार से वो तो किया है बल प्रयोग, पांच शक्तियां इंद्र देव ने गणपति पे दी छोड़, लेकिन पांच शक्ति भी कुछ काम न आई थी, लौट गए वो जब गणपति ने गदा चलाई थी। फिर तो भोलेनाथ को उस पे क्रोध हुआ भारी, लेकर के त्रिशूल आ गई स्वयं जटाधारी, क्रोध में आकर भोले अपना त्रिशूल चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़ी काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़ी काज। तो रुदन किया भाई, बोली के क्या किया आपने ये तो भोले नाथ, द्वार पे तो बन के खड़ा था मान के मेरी बात, लाल मेरे के प्राण तुम्हें वापस होंगे लौटाने, रो रो के चिल्लाई माँ गौरा बात ना माने, शीश हुआ पीठ घुमा करके सोई हो जो बच्चे सी माँ, उस बच्चे का शीश तो फिर गणपति को लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़ी काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़ी काज। शिवगण तो फिर गौरा मानी लेने शीश बैठाए, सोई माँ जिसके वो बालक ना पाए, खोज खोज वो हार गई है छानी दिशा सभी, एक हथिनी आई नजर थी उन सबको तो तभी, हथिनी के बच्चे की गर्दन तो वो ले आए, भोलेनाथ ने वो गर्दन गणपति को दी लगाए, लगी जो गज की गर्दन तो वो जिंदा हो जाते, सबसे पहले मात पिता को शीश वो झुकाते, इसीलिए तो गजानन भी कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़ी काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़ी काज। तो गौरा भोलेनाथ, कार्तिक बोले मैं हूँ बड़ा
सबसे पूछनी सी बात को ब्रह्मा के पास आए, किंतु उत्तर ब्रह्मा जी ने उन्हें न दे पाए। बोले ब्रह्मा विष्णु जी को मुझसे ज्यादा ज्ञान, विष्णु जी शायद कर सकते इसका तो समाधान। विष्णु जी की शरण में फिर तो दोनों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज। सहमत ना हो पाए, बोले विष्णु भोले देंगे इसका सही उत्तर। पूछो ये प्रश्न तुम तो उनसे ही जाकर, दोनों लेकर प्रश्न यही भोले के पास आए। सुनकर के ये प्रश्न भोले जी फिर तो मुस्काए, बोले इस ब्रह्म लगाना होगा, उत्तम साबित करना है उसे पहले आना होगा। अपने मयूर सी सुनकर कार्तिक उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज। मोर का किया नहीं जाए, अपने बल बुद्धि का फिर तो है प्रयोग किया, माता पिता का ही चक्कर गणपति ने लिया लगा। आपके ही चरणों में मेरी सारी सृष्टि है, कहने लगे कि भोले तुम्हारी दूर दृष्टि है। लौट के जब कार्तिक आए तो देख के चकराए, कैसे मुझसे पहले ब्रह्मांड घूम आए। भोले जी फिर उनको किस्सा सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज, गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े काज। नमन करता है तुमको ये खोजी सुरेश,
हंसराज रेल सूर्या महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपति जी महाराज मेरे बना दो बिगड़े का।